आज हम बात करेंगे इंडिया का नंबर वन ऑटो स्प्रिंग बनाने वाला कंपनी यमुना ऑटो के बारे में। यमुना ऑटो ने पिछले 10 सालों में 10x का रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है अपने इन्वेस्टर को, यानी कि 1000% का रिटर्न पिछले 10 सालों में कंपनी ने ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं। तो वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे चार ऐसा रीजन के बारे में जिसके चलते आप यमुना ऑटो के अंदर लॉन्ग टर्म में निवेश कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके वो पॉइंट जान लेते हैं। और सबसे पहले मैं बता दूं कि ये पर्टिकुलर बिजनेस एक ऑटो इंफिलरी बनाने वाला कंपनी है, इसीलिए इस पर्टिकुलर कंपनी एक साइक्लिक बिजनेस माना जाता है। लेकिन लॉन्ग टर्म अब निवेश करते हैं तो ये ग्रोथ आपको दे सकते हैं। सबसे पहला जो रीजन है यमुना ऑटो को निवेश करने के लिए वो है कंपनी का फ्यूचर प्रोजेक्शन। तो जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, कंपनी का जो रेवेन्यू है वो लेटेस्ट क्वार्टर के अनुसार 59% रेवेन्यू कंपनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से कमाता है, और जो नया प्रोडक्ट है उसमें कितना कमाता है 41%। और कंपनी का जो लक्ष्य है, कंपनी का जो एम करके चल रहा है कि जो 50% कंपनी का रेवेन्यू नया प्रोडक्ट से आना चाहिए। इससे क्या होगा, कंपनी लॉन्ग टर्म में सस्टेन कर पाएगा। तो अच्छा एक रेवेन्यू ग्रोथ दिलाने के लिए कंपनी का नया प्रोडक्ट के अंदर 50% रेवेन्यू आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसमें कंपनी 50% रेवेन्यू लाने का कोशिश यहाँ पे करता रहेगा। तो प्रोडक्ट मिक्स के अंदर ये आपको देखने को मिलेगा। अभी दूसरे की बात करें, दूसरा और एक टारगेट कंपनी यहाँ पे लेके चल रहे हैं वो है कंपनी का मार्केट मिक्स, यानी कि कंपनी का लोकेशन आप देखेंगे तो कंपनी नया नया मार्केट भी यहाँ पे कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ ही साथ कंपनी एग्जिस्टिंग मार्केट भी कैप्चर करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। तो एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर जो इसका कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा यहाँ पे बढ़ गया है, लेकिन नया मार्केट के अंदर जो एंट्री है कंपनी उतना ज्यादा पोटेंशियली नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए कंपनी का मानना है कि बहुत जल्दी ये जो नया मार्केट है वहां से कंपनी 50% रेवेन्यू अर्न कर पाएगा। तो लेकिन ये आप 2021-22 से कंपेयर करेंगे तो ये डाउन है, लेकिन मैनेजमेंट का कहना है कि बहुत जल्दी कंपनी नया मार्केट से 50% रेवेन्यू अर्न करेगा, और जो एग्जिस्टिंग मार्केट है वहां से भी 50% रेवेन्यू कंपनी अर्न करेगा। यहाँ पे जो दूसरा रीजन है वो है यमुना ऑटो का पोजीशन, यानी कि आप इंडियन ज्योग्राफी देखेंगे तो यमुना ऑटो का जिस तरह से प्लान अपना एक्सपेंड करके रखा है वो बड़े बड़े जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसका नजदीक है। यानी कि जो आपका ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है जैसे कि टाटा मोटर्स, अशोक लीलैंड, मारुति जैसे बड़े बड़े कंपनी की यानी कि प्लांट की नजदीक ही यमुना ऑटो का प्लांट देखने को मिलेगा। जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, जैसे जमशेदपुर में जहां पे टाटा मोटर्स का प्लांट है उसके नजदीक ही आपको यमुना ऑटो का प्लांट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ कंपनी आप चेन्नई में भी देख लीजिए, अशोक लीलैंड जहां पे इसका प्लांट यहां पे लगाया हुआ है उसका नजदीकी यमुना ऑटो का यहां पे वेयरहाउस देखने को मिलेगा। तो इससे होता क्या है, इससे होता क्या है, कंपनी का कॉस्ट कटिंग बहुत इजीली हो जाता है, मैन पावर कम खर्चा होता है, तो लॉन्ग टर्म में ये बहुत ही पॉजिटिवनेस दिखाई देता है। इस हिसाब से कंपनी जो नया लोकेशन है और चार नया लोकेशन कंपनी यहां पे कैप्चर करके रखा है, जो कुछ नया नया फैक्ट्रीज यहां पे ओपन किया गया है OEM के द्वारा, तो उसकी वजह से कंपनी नया जो प्लान खोला है वो भी उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे खोला है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव बात है यमुना ऑटो के लिए। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यमुना ऑटो ने रिसेंट कॉन कॉल के द्वारा बताया गया है कि 2026 आते आते कंपनी एक्सपोर्ट 10% करने वाला है। ये बहुत ही बढ़िया गोल है यमुना ऑटो के लिए। अगर 2026 तक कंपनी 10% रेवेन्यू एक्सपोर्ट के द्वारा कर पाते हैं तो। अभी तीसरा जो गुड न्यूज है यमुना ऑटो के अंदर, कंपनी का जो कर्जा है वो मार्च 2022 में 191 करोड़ का देखने को मिल रहा है, वो सितंबर में रिड्यूस होकर कितना हो गया है 133 करोड़, यानी कि अच्छा खासा एक यहाँ पे कर्जा कंपनी यहाँ पे रिड्यूस कर चुके हैं। और मैं आपको बता दूं ये जो कर्जा आपको देखने को मिल रहा है ये कर्जा एक्चुअली म्यूचुअल लोन के द्वारा यहाँ पे यमुना ऑटो को मिला है, तो इतना बड़ा प्रॉब्लम कर्जे के लिए कंपनी के ऊपर नहीं है। अभी चौथा रीजन की बात करें वो है कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो बहुत ही अट्रैक्टिव है। यमुना ऑटो ने पिछले कई सालों से कंपनी का जो अपना होल्डिंग है उसको 50% में मेंटेन करके चल रहा है, लेकिन इसमें सबसे जो खास बात है कंपनी DIS का इतना इसका ऊपर भरोसा।
डीआई जहां पे 2019 में 5.21% का होल्डिंग रखता था वो बढ़ के कितना हो गया है 13.38%। तो बहुत ही बेहतरीन एक ग्रोथ डीआई के द्वारा इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर निवेश करने के लिए दिखाई दे रहे हैं। डीआईएस की एफआईएस की बात करें वो यहाँ पे स्लाइटली डिक्रीज हुआ है, लेकिन आपको पता है एफआईएस पिछले कुछ सालों में बहुत ही ज्यादा ही बहुत सारे शेयर में ही सेल कर चुके हैं, तो उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट ये बात है नहीं, लेकिन डीआईएस के भरोसा अभी भी कायम है यमुना ऑटो के अंदर। ये अच्छी बात है कुछ यमुना ऑटो के अंदर, अगर आप लॉन्ग टर्म में एक ऑटो इंसिनरी कंपनी के अंदर निवेश करना चाहते हैं तो जरूर यमुना ऑटो को आप फॉलो कर सकते हैं। अभी दूसरी बात यह है कि यमुना ऑटो इंडिया के अंदर एक नंबर वन कंपनी है ऑटो एंसिलरी बनाने में, यानी कि आपका जो स्प्रिंग मैन्युफैक्चर होता है उसके मामले में, और ये पर्टिकुलर कंपनी दुनिया भर में तीसरा रैंक होल्ड करके चलता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा ये कंपनी है। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, वीडियो में बने रहने के धन्यवाद, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।